कर लेंगे। जी तो गाइस, एक मिनट एक मिनट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जी तो गाइस, आप सफ़र तो करते होंगे, अपनी गाड़ियाँ लारी अड्डे और देखे होंगे। तो अगर आपने मीरपुर का अड्डा नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से आओ मीरपुर आज़ाद कश्मीर का लारी अड्डा देखो। नहीं अच्छा, ठीक है, बैठे रहो, मैं हूँ ना, आज मैं आपको दिखाऊँगा। आज मैं जा रहा हूँ लारी अड्डे मीरपुर आज़ाद कश्मीर। अभी मैं घर में मौजूद हूँ, अभी जाऊँगा मैं मीरपुर, वहाँ से मैं डायरेक्ट आपको लारी अड्डे की तरफ लेके जाऊँगा। ठीक हो गया, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोकेशन है यहाँ से, अगर आप आएँ ये नांगी चौक है मेन, यहाँ से आपने नीचे लेफ्ट हो जाना है, ये आपको मेन ब्रांचेज हैं जो सारी बैंक्स की, स्टेट बैंक की सारी ब्रांचेज, और आपको पोस्ट ऑफिस ऑफिस भी मेन ब्रांच इधर ही मिलेगी, और इसी साइड पे लारी अड्डा भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये लोकेशन आप देख लें, ये नांगी चौक है। तो अभी चलते हैं हम नीचे इधर और आपको दिखाते हैं लारी अड्डा नांगी। नांगी चौक नीचे आ गया हम, और अभी हम जा रहे हैं लारी अड्डा नांगी मीरपुर आज़ाद कश्मीर। ये नांगी बाज़ार है, इधर से हर चीज़ आपको मिल सकती है। इधर भी छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं। मैं पहुंचा हूँ लारी अड्डा नांगी मीरपुर आज़ाद कश्मीर, और ये देखें जी बसें खड़ी हैं, ये इस्लामगढ़ जाने के लिए तैयार है बस, और ये गाड़ी निकल रही है। डडियाल, चकसवारी, लाहौर, चकवार, हर गाड़ी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये पहलवान ट्रैवल, दीना, जेलम, मुल्तान, बावलपुर, फुटबास, लाहौर, सरगोधा, यहाँ से आपको मिल सकती है। लारी अड्डे में आपको पुराने ज़माने की गाड़ियाँ मिलेंगी, मीरपुर से इस्लामगढ़, मीरपुर से खाटरा, रावलपिंडी से फैज़ाबाद, मुख्तलिफ बस स्टैंड हैं। ये छोटी जो ये हाईएस्ट होती हैं, और ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये है जी नांगी लारी अड्डा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।